राजधानी लखनऊ में फ्लैट में चल रहे फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर क्राइम सेल और सर्विलांस टीम पीजीआई पुलिस की मदद से फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी तकनीक के माध्यम से विदेशी लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा चुके हैं। पीजीआई के सेक्टर 18 स्थित वृंदावन योजना एवरेस्ट इनक्लेव के टावर नंबर 1 के फ्लैट नंबर 201 में फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चल रहा था। कॉल सेंटर सुपरवाइजर मोहन श्याम शर्मा समेत 12 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों के लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर में पॉपअप एरर बग देकर कस्टमर के सिस्टम में रुकावट पैदा करते थे। एरर को ठीक करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करते थे। विदेशी नागरिक एक्स लाइट और आई बीम सॉफ्टवेयर से संपर्क कर अल्ट्रावाया एप्लीकेशन के जरिए एरर को सही करने के नाम पर एक्सेस कंट्रोल करते थे। इसके साथ ही अन्य प्रकार से दबाव डालकर या बातों में फंसाकर विदेशी कस्टमरों से गिफ्ट कार्ड क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाखों रुपए हड़प कर लेते थे ये लोग। ये सभी आज गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर रकम ऐट लेते थे। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर से अलग अलग लैपटॉप टैबलेट और फाइबर यूनिट राउटर हेडफोन माउस और 17 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना पीजीआई पूर्वी जोन की क्राइम टीम और थाना साइबर की एक टीम को हमारे द्वारा रवाना किया गया। घटनास्थल पर जहाँ का बताया जा रहा था वहाँ पर गए और हम लोगों ने जाँच पड़ताल शुरू करी तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि वहाँ पे अपार्टमेंट में एक कॉल सेंटर चल रहा था जो अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व था। पुलिस द्वारा जब इनसे विस्तृत तौर पे पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जौनपुर के थाना शाहगंज के शौचालय में एक व्यक्ति की लाश मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि टप्पेबाजी के आरोप में शाहगंज थाना पुलिस ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने सुबह के वक्त पुलिस थाने में मौजूद शौचालय में फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए लखनऊ बलिया राजमार्ग जाम कर दिया। इस दौरान हालातों को देखते हुए पैरा मिलिट्री फोर्स सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की। जानकारी की गई कि जमील अहमद एक व्यक्ति जिसके साथ में कल दिनांक 18 तारीख को 35,000 रुपये के लगभग धक्केबाजी का अपराध कारित किया गया उसके द्वारा पहचान कर इस अभियुक्त को थाने पर सपोर्ट किया गया था जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई विधि कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल उनकी मृतक की पत्नी के द्वारा दी गई शिकायत की प्रार्थना पत्र पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पूछताछ लखनऊ में शराब पार्टी के दौरान हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने आज कर दिया है। बता दें 25 सितंबर को 28 वर्षीय अंकुर रावत के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी। 10 अक्टूबर को पीजीआई के रेवतापुर में मिला था एक नरकंकाल जिसको लेकर अंकुर रावत के परिजनों ने नरकंकाल के कपड़ों से की थी अंकुर की शिनाख्त। आपको बता दें पीजीआई पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए अतुल वाजपेयी उर्फ राजवीर वाजपेयी को गिरफ्तार किया जिसमें खुलासा यह हुआ कि शराब पार्टी के दौरान विवाद में अतुल वाजपेयी ने गला दबाकर अंकुर रावत की हत्या कर दी थी और शव पास के ही झाड़ियों में फेंक दिया था। उन्हीं में जब हम लोग पूछताछ के क्रम में अतुल वाजपेयी से पूछताछ शुरू करी तो इनके द्वारा बताया गया कि अंकुर के मित्र थे और इनके साथ खाने पीने और उठने बैठने का इनका संबंध था। आपस में अक्सर बैठ के खाते पीते थे। जिस दिन ये गुमशुदा हुए हैं उसके एक दिन पहले आपस में इनमें शराब को लेकर कुछ विवाद हो गया था जिसमें झगड़ा हुआ है। इन्होंने रास्ते में लड़ाई करी थी। बाद में जो इसका अभियुक्त है वो इतना इससे क्षुब्ध हो गया था झगड़े से नशे की हालत में इनको जंगल में ले गया वहाँ गला दबा के इनकी हत्या कर दी और इनके बॉडी को वहीं पर जंगल में छुपा दिया गया था। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन है वो भी बरामद किया गया है जो इन्होंने नीलमत्था के पास कहीं फेंक दिया था।